नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। कोरोना महामारी के खलल के बीच आखिरकार खेलों के सबसे बड़े आयोजन ओलंपिक्स का आगाज जापान की राजधानी टोक्यो में 23 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इसका आयोजन 5 अगस्त तक चलेगा। इस बार बहुत बड़ा भारतीय दल भी इसमें हिस्सा लेने वाला है और भारतीय दल के अच्छे प्रदर्शन के साथ साथ पदक की भी उम्मीद है। कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल ओलंपिक्स में दर्शकों की इजाजत नहीं मिली थी। इस बीच टोक्यो में खेले जाने वाले ओलंपिक खेलों के लिए आयोजक समिति ने खिलाड़ियों के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार खिलाड़ी खेल के दौरान रहते हुए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जिसका ऐलान आयोजक समिति ने किया कि इस बार दर्शकों की वापसी होगी। सोमवार को आयोजकों ने जानकारी देते हुए साफ कर दिया कि ओलंपिक खेलों में 50% दर्शकों की जाने की इजाजत दी जाएगी। ओलंपिक समिति ने यह भी साफ किया कि ओपनिंग सेरेमनी के दौरान 20,000 दर्शकों की मौजूद होने की इजाजत होगी। इसके अलावा ओलंपिक समिति ने नए नियमों के अनुसार खिलाड़ियों के बीच कॉन्डोम बांटे जाने से भी इनकार कर दिया है। हालांकि खिलाड़ियों को उनके कमरे में शराब पीने की इजाजत जरूर दी जाएगी। ओलंपिक समिति ने साफ कर दिया कि सभी नियम खिलाड़ियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे हैं। जापान की न्यूज एजेंसी कोयडो के अनुसार ओलंपिक समिति ने खिलाड़ियों और उनके रहने के दौरान कॉन्डोम बांटने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि 1988 में सियोल ओलंपिक्स के दौरान एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए खिलाड़ियों के बीच कॉन्डोम बांटने की प्रथा शुरू की गई थी, लेकिन कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए इस साल कॉन्डोम नहीं बांटने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें, इसके अलावा कई और फैसले इस दौरान खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर सुनिश्चित किए गए हैं। आपको बता दें, इसका आयोजन 23 जुलाई से 5 अगस्त के बीच टोक्यो में होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।